गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो एग्जाम स्पेशल क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के मुद्दे पर डिस्कस करेंगे या टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और इस भाग में हम लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यह अवार्ड सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किनको प्रदान किया गया। ओके, और फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किनके याद में प्रारंभ किया गया और कब दिया जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं या देखते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को प्रदान किया गया। ये बांग्लादेश के हैं, ध्यान रखिएगा, यह बांग्लादेश के ये वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर फिरदौसी कादरी को प्रदान किया गया, बांग्लादेश के हैं। और इन्हें वैक्सीन के विकास के लिए यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, अगले व्यक्ति को हम लोग देख लेते हैं। तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। और कभी कभी देश भी पूछ देता है, कंट्री भी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह बांग्लादेश के हैं और किसके लिए दिया गया है, वैक्सीन के विकास के लिए। ओके, अगले व्यक्ति हैं, अगले पर्सनालिटी पर हम लोग नजर करते हैं या देखते हैं। तो अगले व्यक्ति हैं मोहम्मद अमजद साकिब, यह पाकिस्तान के हैं। ध्यान रखना है कि इनके अलावा फिरदौसी कादरी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी के अलावा अन्य कौन व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया या दिया गया। तो अगले व्यक्ति में हम लोग देखें मोहम्मद अमजद साकिब, ओके, यह पाकिस्तान के हैं। अगले व्यक्ति हैं रॉबर्टो बैलोन, ओके, यह पर्यावरणविद हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पर्यावरणविद हैं। अगले व्यक्ति हैं स्टीवन मुंशी, यह मानवीय कार्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, स्पेशली यह शरणार्थियों की मदद करते हैं या सहायता के लिए। ओके, तो यह मानवीय कार्यों में स्पेशली शरणार्थियों की का हेल्प करते हैं या मदद करते हैं, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है स्टीवन मुंशी को। ओके, अगले व्यक्ति हैं वाच डॉग, ध्यान रखिएगा आप लोग, वाच डॉग, यह इंडोनेशिया के हैं और यह वित्त चित्र फिल्म निर्माता है। ओके, यानी वित्त चित्र फिल्म निर्माता है और यह इंडोनेशिया के हैं, वाच डॉग इनको प्रदान किया गया। तो अब आइए कुछ इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम लोग देख लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है या है, अथवा इसे एशिया का नोबल प्राइज भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार यह है और यह इस पुरस्कार की स्थापना या यह पुरस्कार 1957 में प्रारंभ किया गया, 1957 में। ओके, और फिलीपींस के राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन डेल फियरो मैग्सेसे के नाम पर, ध्यान रखना है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन डेल फियरो मैग्सेसे के नाम पर यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ओके, और यह राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, तीसरे राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1957 में। और यह इस रेमन डेल फियरो मैग्सेसे जो राष्ट्रपति थे, इस राष्ट्रपति के जयंती पर 31 अगस्त
को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं या एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, यानी 1957 से यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार किनकी याद में प्रारंभ किया गया, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन डेल फियरो मैग्सेसे के नाम पर। ओके, और इनकी जयंती 31 अगस्त को है, तो 31 प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को ध्यान रखना है, 31 अगस्त को यह प्राइज या पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इन विद्वानों का या इन व्यक्तियों का जिनको वैज्ञानिकों को जो पुरस्कार दिया गया है, फिरदौसी कादरी, इसके अलावा मोहम्मद अमजद साकिब, इसके अलावा रॉबर्टो बैलोर, स्टीवन मुंसी और वाच डार्क, इन व्यक्तियों का नाम अवश्य याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है, व्यक्ति है, वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, यह बांग्लादेश के, जिनको वैक्सीन के विकास के लिए प्रदान किया गया है। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल एग्जाम 21 को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्लास का या वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाया करे। इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और जल्द ही हमारा क्लास ऑनलाइन भी प्रारंभ हो जाएगा, ऑफलाइन भी प्रारंभ हो जाएगा, आपको हम सूचित कर देंगे और आप लोग क्लास का भी, ऑनलाइन क्लास का भी इंजॉय ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लास का भी। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।